छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं नियद नैला नार योजना से प्रभावित होकर संगठन में सक्रिय नक्सली एक महिला सहित कुल 5 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी। पंखाजूर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ किया जमकर नारेबाजी। बांदे बस स्टैंड से छोटे बेठिया चौक तक रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। देवेंद्र यादव अब भी जेल में है, जिसको लेकर आज बांदे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। आज प्रदेश में राज चल रहा है, आज जो हमारे विधायक के जो विधायक देवेंद्र यादव जी को जो निर्दोष के हिसाब से भी उनको दोषी ठहरा कर जेल निकाले गए, उसके विरोध में पूरे ब्लॉक में नहीं पूरे प्रदेश में आज हर जगह मशाल रैली का हम लोग जो है पूरे प्रदेश में मशाल रैली का हर ब्लॉक में मतलब इस तरह का आंदोलन। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग ये है कि जल्द से जल्द अगर छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव सरकार अगर देवेंद्र यादव को रिहा नहीं करते तो इसके बाद जाके उन्मूलन करने के लिए युवा कांग्रेस और बड़ा कांग्रेस हर हमेशा तैयार है। रायपुर में चोरी के 12 चक्का ट्रक को अवैध तरीके से काटकर पार्ट्स बेचने के आरोप में पुलिस ने गाजी खान को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गाजी खान पहले भी ट्रक चोरी और अवैध तरीकों से पार्ट्स बेचने के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने चोरी किए गए ट्रक सहित यार्ड से करीब 2 लाख का माल भी जब्त किया है। उरला थाना पुलिस के द्वारा आरोपी गाजी खान को यार्ड में पहुंचकर रंगे हाथों पकड़ा गया, जहां आरोपी द्वारा ट्रक समेत इंजन चेचिस कैबिन के कई टुकड़े जब्त किए गए। सामान जब्त की गई पूरे माल की कुल कीमत 2 लाख रुपये है। उरला पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जाँच कर रही है। थाना उरला अंतर्गत एक गाजी खान नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो अपने यार्ड में किसी बड़ी गाड़ी को काट रहा था और उसकी बॉडी चेचिस नंबर प्लेट सभी बरामद हुए हैं। उसके संबंध में पतासाजी की जा रही है और जो आकर्षित होने वाली धाराओं के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, गाजी खां को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। पूर्व से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये चोरी की गाड़ियों को खरीदता है और वहाँ पर कटिंग यार्ड में इन गाड़ियों को कटिंग करता है, इस पर से कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के विरोध में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में मौन प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी रायपुर जिला कांग्रेस के द्वारा राजीव गांधी चौक पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर विरोध किया और महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार का घेराव किया। साथ ही आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ बेहतर से बेहतर स्थिति हो गई है, महिलाएं आज कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हमें पता नहीं भाई किसके दबाव में ये काम करते हैं। कांग्रेस जब दबाव करती है तब कार्रवाई होती है। महिलाएं बस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, रास्ते में सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रहा है। हमें चिंता हो रही है, हमें भय हो रही है, हम अकेले महिलाएं नहीं जा सक रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। विशेष करके महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, वो असहनीय हो गया है। हमें समझ में नहीं आता कि क्यों पुलिस प्रशासन चुप बैठी है। मुझे तो ये कहने में शर्म आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले में एक महिला के साथ 9-9 व्यक्तियों ने गैंग रेप किया, अब उसको ला के हमारी जांच दल उनसे मिलने जा रही है तो उस महिला को किडनैप कर लिए हैं और कोई भी महिला उनसे बयान नहीं ले पा रही है। और ये तब की घटना है जब राखी हो रही थी। अभी हमारे यहाँ तीजा आने वाला है, हमारे यहाँ पोरा आने वाला है, हमारे यहाँ बहनों के बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, मगर बहन असुरक्षित है। उस दिन भी बहन राखी बंधवा के आ रही थी या जा रही थी,
आज भी गली गली में हमारे बहन घूम नहीं पा रहे हैं। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के निमतरा के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। बताया गया कि पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से गांजा तस्करी की सूचना मिली, जिसके आधार पर बाईपास के पास मोटरसाइकिल से जाते हुए दो लोगों को रोक कर पूछताछ की गई, जिसमें चेकिंग के दौरान पकड़े गए दोनों से 5 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयोग किए गए वाहन को भी जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपी रमेश सूर्यवंशी और रजनीकांत सूर्यवंशी को, जो बिलासपुर के रतनपुर के निवासी हैं, धमतरी में मादक पदार्थ जैसे गांजे की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। बहरहाल पुलिस नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। निमतरा मोड़ के पास दो संदिग्ध व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में एक बैग रखते किसी का इंतजार कर रहे थे या शायद उनका गाड़ी खराब हो गया था, जो भी लगा हो, तो पेट्रोलिंग द्वारा उनसे पूछताछ किया गया, चेक किया गया, तो उनके बैग में मादक पदार्थ गांजा लगभग 5 किलो के आसपास वहाँ प्राप्त हुआ। फिर तत्काल मौके पर ही वहाँ पे NDPS के 20 की कार थी, कीमती 50,000 रुपये था। दो आरोपी थे इसमें, रमेश सूर्यवंशी है जो कुनी थाना बिलासपुर का रहने वाला है, और दूसरा रजनीकांतपुर पंकज, ये भी थाना रतनपुर जिला बिलासपुर का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं। वहीं भारी मात्रा में SLR 303 राइफल, 315 बोर राइफल, हथियार सहित नक्सली सामग्री बरामद की गई है। सभी जवान सुरक्षित हैं। ये मुठभेड़ लोहा गांव व पीड़िया जंगल में चल रही थी। अभी तक सर्च अभियान में 9 वर्दीधारी और हथियार बंद नक्सलियों के शव की बरामदी हुई है। 2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंट्री पुरंगेल लावा जो थाना किरंदुल अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरभा डिवीजन एवं PSG कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर दंतेवाड़ा से DRG बस्तर पैट्रिक की टीम एवं CRPF 111-230 यंग प्लाटून की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का, वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ, साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303 फैक्ट्रीमेड वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। आगे की जानकारी पृथक से दी जाएगी। राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदस्यता लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उन्हें सदस्यता दिलाई।